उसके बाद मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता। इन्वेस्टमेंट, मैं 1000 रुपया इन्वेस्ट करता फ्यूचर में। आज के टाइम पे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट आज के टाइम पे 2020 में तो वाकई में इतनी बड़ी गिरावट थी, अगर आपने खरीद लिया होता ना कोई एक शेयर 1000 रुपये में। आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा सोचते कि 1000 रुपये में क्या ही आता होगा? मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के शेयर हैं जो कि 1000 रुपये में, मतलब आप उनके 3 ऐसे पैनी शेयर्स भी हैं, 1000 रुपये में 1000 शेयर भी मिल जाएंगे आपको किसी कंपनी के। आज येस बैंक है, वैसे तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन येस बैंक का एक शेयर 13 रुपये का, बताओ आप। येस बैंक तो सुना होगा आपने, 13 रुपये का एक शेयर। आप लोग सोचते 1000 रुपये में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी और शेयर मार्केट। और अगर आपको रिस्की लगता है तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपने अपनी वर्थ का सिर्फ 10% उसमें लगाया, और आप ट्राई करो कि अच्छा शेयर खरीदो। अब आप सोचोगे अच्छा शेयर तो बहुत महंगा आता होगा। नहीं साहब, गलत है। आपने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है? अगर आप लोगों ने आईसीआईसी बैंक का नाम सुना है, आईसीआईसीआई, आप इस पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना, आप बहुत अच्छा बैंक है। इसका शेयर 600 रुपये का है, बता, एक शेयर 600 रुपये का, खरीद के छोड़ दो। एक आपको पता है शेयर मार्केट में शेयर जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी को गिफ्ट करना है आप गिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो हमको खुद को जरूरत है। ICICI बैंक इतना बढ़िया बैंक है, उसका 600 रुपये का शेयर है। और मैं आपको बता देता हूँ, 2020 में जब मार्केट गिरा हुआ था ये 400 रुपये का शेयर था, 200 रुपये की प्रॉफिट हुई है जिन्होंने 2020 में खरीद लिया था। अब आप सोचो, मीनवाइल सिर्फ 1000 रुपये से इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि शेयर मार्केट बहुत महंगा है, इतने पैसे हम कहां से लाए। चलो आप ICICI जैसे शेयर नहीं खरीदना चाहते, आप कॉपी पेन खरीदते हो, ITC का शेयर 200 रुपये का, बताओ आप, मात्र 200 रुपये का ITC का शेयर, मात्र 200 रुपये का। अगर आप इतना भी महंगा नहीं खरीदना चाहते छोड़ दो। आप नेशनल एल्यूमिनियम, उसका जो शेयर है वो शेयर प्राइस आप सुन के हैरान रह जाओगे। ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। ये शेयर ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपये ही है, और जब मैंने इसको खरीदा था तो तब ये शेयर 40 रुपये का था। ये एक साल के अंदर इतनी ग्रोथ आ गई, इसके जस्ट डबल हो गया। तो हम लोग सोचते हैं ऐसा, कोल इंडिया हो गया, 200 रुपये का भी शेयर नहीं है, समझ रहे हो? और ऐसी बथेरी लिस्ट है जिसमें वो पैनी शेयर्स कहलाते हैं। मैं आपको इतना रिस्क उठाने को नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है जिनके शेयर बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं। आप रख लो अपने पास, ऐसे रख लो, ऐसा अच्छे। मैं बताऊं, एक बात बताता हूं, येस बैंक से मैंने बहुत पैसा खोया है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि रिस्क उठाने हैं। रिस्क तो देखो शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। और मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, आपकी जितनी अर्निंग है उसका सिर्फ 10% आप लगाओ, बस। मैं आपको ज्यादा नहीं कहता हूं, सिर्फ 10% आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, कहीं भी लगा, तुम्हारी मर्जी है। म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ होता है लेकिन उसमें रिटर्न नहीं आता है, इक्विटी में रिटर्न आता है लेकिन वो डिपेंड करता है, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दो बस।